ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वम् असि आदिलक्ष्यम् एकम् नित्यम् विमलम् अचलम् सर्वदा साक्षिरूपम् भावातीतम् त्रिगुणम् रहितम् सद्गुरुतम् नमः सद्गुरुतम् नमामि सद्गुरुतम् नमामि वंदो सद्गुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंजिना श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। उपस्थित साथियों, पिछले विषय में हमने आपको बताया था कि अगले विषय में जो अब मैं शुरू कर रहा हूं, सतगुरु और गुरु में क्यों भारी अंतर है, वो श्री प्राणनाथ जी ने ही आकर, उस पार ब्रह्मक्षातीत ने आकर सतगुरु की व्याख्या की। सतगुरु क्योंकि ऊंचा अच्छा शब्द होता है, तो आज हर कोई लोग अपने गुरुओं के साथ सतगुरु ही जोड़ते हैं कि हमारे सतगुरु आ रहे हैं। आइए कि आज भारतवर्ष के अंदर जो गुरु पद्धति और गादी पद्धति चली हुई है, दरअसल कभी सोच करके नहीं देखते कि ये कितना एक भारी रोग आ गया है कि जिसने मानव को मानव से काट कर जुदा कर दिया। क्यों, हम जब गुरु भी धारण करते हैं तो कभी विचार किया, पर एक ही देखते हैं, माता पिता लड़के को पकड़ के ले गए और जाके कहा, गुरु जी आ मेरा लड़का है, इसको भी अपना मंत्र दे दो। सोचिए, जैसे गुरुओं की पद्धति और घर के लोग क्या करते हैं कि हमारा खानदान का भाई ये गादी है, हम तो इन्हीं गुरु से लेंगे। अब सोचिए, थोड़ा ब्रेक लगाइए और जिंदगी में सोचिए कि जो गुरु धारण करना है वो खानदान के वास्ते धारण करना, क्या वो माता पिता के वास्ते धारण करना है या अपने कल्याण के वास्ते करना है। कभी भी कोई मनुष्य ये यदि सोचे भाई मैंने गुरु धारण करना है, तो गुरु से पहले क्या देख लेना चाहिए कि आया वो मेरे कल्याण का मार्ग मुझको दे सकता है। माता पिता लड़के को ले गए, गुरु जी के पास बिठा दिया, गुरु जी ने कान में मंत्र बोल दिया, बस गुरु धारण हो गया। उसके बाद रोज थैले भर भर के जाओ, गुरुओं के शरणों में रखो। साथियों, आज ये जो सौदा है एक कमर्शियल बन गया। नहीं तो आगे गुरुजन पहले जंगलों में ही रहा करते थे और वहां पर जाकर कोई जाता भी था शुद्ध हृदय के साथ, भाई मैं आश्रम जा रहा हूं, गुरु जी के चरणों में जा रहा हूं। राम भगवान जी की उस जीवनी को उठाइए, श्री कृष्ण की जीवनी को उठाइए और फिर देखो कि गुरु का कितना महत्व होता था, जो कभी भी संसार की लोभ और इन चीजों में पड़ते नहीं थे और केवल उनकी शरण तक पहुंचते ही वो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते थे। तो अब ये भी सोचना है, क्या गुरु को मन की केवल कामना संसारिक पूरी करने के लिए धारण करना चाहिए कि गुरु जी आशीर्वाद दे दो मेरे लड़के की सगाई हो जाए, गुरु जी आशीर्वाद दे दो मेरी लड़की का लगन हो जाए, तो इसके लिए गुरु होते हैं क्या? जरा सोचिए, आज भाई सोचने का समय है, वो अंधकार का समय चला गया जिस समय जो है विद्या नहीं होती थी, आज विद्या का प्रवाह चल रहा है
और तेज बुद्धियां चल रही हैं, पार ब्रह्मक्षातीत यहां जागृत बुद्ध का ज्ञान लेके आ चुके हैं, हम अपना जीवन नष्ट करके चला गए, क्या यही हमको मिला है? ध्यान के साथ सोचने की बात है ये चीज कि मुझे आवागमन के चक्कर से छूटना, ये किसी के सोच में नहीं आएगा, आज में नहीं आएगा, लोग इसका अर्थ क्या निकालेंगे? अरे भाई काहे को मर जाए, क्यों भाव से पार हो जाए, वहां क्या मिलेगा हमको? हम तो बार बार जन्मेंगे और बार बार सेवा करेंगे। पहले ऐसा विचार रखने वालों कभी ये भी सोच लेना कि अगले जन्म तुम्हें मनुष्यतन ही मिलेगा, व्हाट इज द गारंटी? कर्मों का फाटक पूरा करना पड़ेगा, कर्मों का इंची टेप पूरा होगा तब आप जो है अगला मनुष्यतन मिलेगा, नहीं तो योनियों में डाल दिए जाओगे। और अब इस वक्त मनुष्यतन की क्या कीमत है, वो खूब खूब श्री प्राणनाथ जी की वाणी से आपको बता दिया है। आज का मनुष्यतन, आज का भारतवर्ष में जन्म लेना और हिंदू धर्म के अंदर जन्म लेना और उसके बाद प्राणनाथ जी की वाणी का प्राप्त हो जाना, जब से सृष्टि बन रही है, करोड़ों बार बनी, करोड़ों बार मिट गई, ये चार वस्तुएं आज दिन तक इकट्ठी देवी देवताओं को भी नसीब नहीं। पर ये बात कभी अर्जुन के दिल में उखी थी कि भाई जब सृष्टि के बनाने और मिटाने वाला, आगे का ज्ञान तो उसे नहीं था, मेरे सामने भगवान खड़े हैं तो मैं आवागमन के चक्कर से क्यों ना छूटूं? क्यों? आज हमें तो पता नहीं आवागमन का चक्कर क्या है। अर्जुन ने वो देखा कब? जब युद्ध से इनकार करके रथ से नीचे उतर गए तो भगवान को चिंता हुई कि मरे भाई अब तो मेरी इज्जत का सवाल सारे विश्व में देवी देवता भी देख रहे हैं, तो इसको मैं किस तरह से मनाऊं? तो मजबूर होकर, लाचार होकर भगवान को अपना विराट का स्वरूप दिखाना पड़ा। विष्णु भगवान के 24 अवतार कहे, किसी ने भी आज दिन तक विराट का स्वरूप नहीं दिखाया, और अब अर्जुन के मांगने पर नहीं दिखा रहे, उनकी अपनी इज्जत का सवाल है कि किसी तरह से अर्जुन अगर युद्ध नहीं लड़ेगा तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। तब कहने लगे, अर्जुन देख जिन गुरुओं को तू अपना गुरु समझ बैठा है, अरे बाबा ये तो पूर्व जन्म साथी हो, ये गुरु अगले जन्म में तुम्हें नहीं मिलने वाले, सतगुरु तुम्हें साथ लेकर के जाएगा, इतना अंतर। सतगुरु कभी छोड़ नहीं सकते, चाहे कितना जन्म भी तुम बदलो, लेकिन गुरु तुम्हें अगले जन्म में मिलने वाले नहीं, अब गीता इसका प्रमाण है। अर्जुन देख पूर्व जन्म में तुमने इन पर ऐसे उपकार कर रखे हैं कि उसका बदला देने के लिए तुम्हें ज्ञान सुना रहे हैं तेरे गुरु के रूप में, वैसे ये मर चुके हैं, तुम इनको मारने में डरो मत कि मैं बुरे गुरुओं को क्यों मारूं, लो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। तब भगवान ने विराट का स्वरूप दिखाया दोनों, और वो आप सब देखते हो हमेशा, एक तरफ से सारी दुनिया जन्म रह रही, कितनी दुखी तड़प तड़प के जन्म ले रहे हैं, और दूसरी तरफ मौत के अंदर तड़प तड़प के वो देख रहे हैं। अब अर्जुन जो है घबरा गया है, जन्म के समय और मरण के समय इतना जो है दुख उठाना पड़ता है। फिर भगवान ने कहा ठहर, अब तू अपना भी अगली मौत को देख कि कुछ दिनों के बाद अब फिर तू मरने वाला है। जब मौत का वो डर भयंकर सीन उसने देखा, घबरा गया, कहता है प्रभु ऐ मेरे भगवान, जिस रूप में मेरे सामने तुम खड़े होकर के बातें कर रहे थे, कृपया उसी तरह से आ जाओ, ये विराट का स्वरूप हटाओ। हटाया, भगवान उसी तरह से सामने आ गए, बोलो भाई अब के महाराज, इस रूप को देखकर, इस भयंकर अवस्था को देख के मुझे तसल्ली हो गई कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, सब मतलब के स्वार्थी, पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से ग्रस्त का वारा बना हुआ है, जहां सारी दुनिया अंधी होकर समझ रही है मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, कोई भी नहीं अपना। आज आंख बंद हो जाए, बोलो दो मिनट के लिए सोच के उत्तर दो, कोई तुम्हारे साथ जाएगा? ये शरीर जिसको दिन रात पाउडरों क्रीमों से हम सजाते हैं, ये भी धोखा दे जाएगा, ये भी साथ जाने वाला नहीं है। फिर अर्जुन अब कहता है प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगता बाप से, अभी युद्ध करूंगा, एक इच्छा मेरी पूरी कर दो कि ये जो आपने विराट के अंदर जन्म मरण का सिलसिला दिखाया है,
आप तो सृष्टि के नाथ हैं, कृपा करके मुझे जन्म मरण से छुड़ा के भव से पार कर दो। साथियों आओ, क्या भगवान भी झूठ बोलेंगे, कह देते अच्छा मैं कर दूंगा या फिर कर दूंगा? नहीं, भगवान नहीं झूठ बोल सकते। वो हम लोग मलेच्छा आदमी हैं जो अपने स्वार्थों के कारण झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। भगवान करते हैं अर्जुन ध्यान के साथ सुन, द्वा इमौ पुरुषो लोके, ये 14 लोक की जो सृष्टि आप देख रहे हो इसको बनाने वाले 2 पुरुष हैं। एक तो मैं हूं, शरा सर्वाणि भूतानि, मेरा भी नाश होता है और सारे मेरे बनाए हुए संसार का भी नाश होता है। जो मैं कण कण में हूं ये मेरा स्वरूप है, जो आज दिन तक किसी को नहीं पता था। भगवान ने स्वयं कहा क्षरा सर्वाणि भूतानि, सर्वव्यापक जो कण कण में निराकार स्वरूप है वो मेरा ही है। कूटस्थ अक्षरा उच्यते, जो कूटस्थ है अविनाशी है, जिसने मुझे बनाया है और सारे संसार को बनाने की शक्ति प्रदान मुझे की हुई है, उस शक्ति से मैं संसार बनाता मिटाता, कर्मों के बंधनों में हमने सबको बांध रखा है, कोई भी कर्म के बंधन से बाहर जा नहीं सकता। साथियों और ए अर्जुन, तू चाहता है कि मैं इससे भाव से पार हो जाऊं, मैं नहीं कर सकता, मैं तो इस संसार के कर्मों में बांधता हूं, माया का धन देता हूं, माया देता हूं, संसार देता हूं, राज देता हूं, पाठ देता हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं तुझे वैकुंठ ले जा सकता हूं। अब वो जो अक्षर ब्रह्म है जो इसको हुक्म देके बनवाता और मिटाता है परमात्मा, वो भी नहीं है, वो भी तुम्हें भव से पार नहीं कर सकता। अर्जुन कहता है प्रभु फिर वो परमात्मा ना आप हैं और ना अक्षर ब्रह्म है तो वो कौन है? उत्तमा पुरुषस्य त्वयि अन्य परमात्मा इति उदारता साता विभर्ति त्रैलोकमा अव्या ईश्वर, वही त्रैलोक में। अब कई लोग त्रैलोक का अर्थ क्या समझते हैं? मृतलोक, स्वर्ग और वैकुंठ। ना मेरे साथी, वो त्रैलोक कौन से हैं? काल माया का ब्रह्मांड, उसके आगे योग माया का ब्रह्मांड और उसके आगे अखंड परम धाम का ब्रह्मांड। उसी के हुक्म से सब कुछ ये बन और मिट रहा है और ये है वो परमात्मा जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। अब अर्जुन कहते हैं प्रभु यहां तो जैसे भी है हमें आपके चरण प्राप्त हो जाते हैं तो उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? कहने लगे वो भी मिल सकता है, लभ्यस्तु, ये भगवान कह रहे हैं लभ्यस्तु, मिल सकता है। भक्त्या, भक्त्या भक्ति करनी पड़ती है, कौन सी? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। तो साथियों सतगुरु जो होंगे वो पारब्रह्म अक्षरातीत के साथ मिलाएंगे, कौन सी भक्ति का मार्ग देंगे? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, पतिव्रता साधन। जो बाइबल के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूं कि उन्होंने क्या बताया कि उस फादर के साथ, उस पूर्ण परमात्मा के साथ, उस सुप्रीम ट्रुथ गार्ड के साथ यदि नाता जोड़ना है तो एज लाइक मेडन, जैसे क्वारी कन्या एक प्यार उस पति के वास्ते छुपा के रखती है, रहो दुनिया में, दुनिया वालों के साथ शरीर रख प्यार रखो, आत्मा का संबंध उसके साथ जोड़ने के लिए जो है ये रिश्ता जब उनके साथ जोड़ेगा, अब जोड़ेगा कौन? अपने आप नहीं जुड़ जाएगा, प्राणनाथ जी अपने आप नहीं प्राप्त हो जाते, सतगुरु की जरूरत है। लेकिन अब सवाल क्या है कि जो गुरुजन है वो ये सत्य के मार्ग पर हमें क्यों नहीं चलाते? क्योंकि उनका मान सम्मान धंधा गादी और ये सब छूट जाते हैं, क्योंकि जब शिष्य उनके पास आएंगे नहीं तो उनका कैसे चलेगा। लेकिन प्राणनाथ जी का जो मार्ग है प्रेम लक्षणा भक्ति जो है वहां गुरु और शिष्य नहीं चलता, क्यों? ध्यान के साथ, विचित्र चीजें हैं जो प्राणनाथ जी ने ला के दुनिया में रखी है, किस लिए? कि गुरु और शिष्य बाय बॉडी नॉट बाय सोल, और वो जो सतगुरु होते हैं और वो दो रूप बनाते हैं, वो गुरु नहीं बनते। प्राणनाथ जी ने आके किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, उन्होंने अपना साथी कहा, इसलिए आपने इस वाणी के अंदर भी कई बार सुना होगा सुंदर साथ, साथी आके कहा, कॉमरेड कहा, और इसकी साक्षी गुआई आप कहोगे जी ये तो अपने मनगढ़ंत ही, ना 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 ना, पहले प्रमाण पीछे बात करेंगे। बाइबल उठाई, पढ़िए क्या लिखा है बाइबल के अंदर,
God, Sikh, comrade claims love. ये उसकी पहचान है कि वो परमात्मा जब दुनिया में आएगा, सिख्स कॉमरेड, ओ मेरे वतन के साथियों, ओ मेरी आत्माओं, आत्माओं को साथियों कहा है, लाओ मेरा प्रेम लाओ, वो इश्क लाओ जिसके साथ तुमने परमधाम में रब्द किया था कि हम खेल में जाकर के भूलेंगे नहीं। ये उस सतगुरु की पहचान है। और दूसरी पहचान बाइबल में क्या लिखी है, डाइवल सिख्स स्लेव्स, जो दूसरे लोग हैं, दूसरे गुरु हैं, वो हमेशा क्या करेंगे, गुलाम स्लेव क्लेम्स ओबीडियंसी, हर वक्त सेवा, हमारी खिदमत, हमारे लिए क्या लेके आए हो और जा रहे हो तो भाई क्या पगे रख के जाओगे। क्या सिखाते हैं कि गुरुजी के पास जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना, डिब्बा या रुपए या मिठाई लेके जाना, चलो जी वो उनके पग में रख दिया, अब जाना है तो जाती बार फिर प्रणाम करना है तो फिर उनके चरणों में रखियो। यही चीज पीरों के अंदर भी है, यह मत सोचो कि हिंदुओं के अंदर ही है, इससे ज्यादा शायद पीरों के अंदर होगी। तो साथियों ये है संसार का झमेला, जहां हर धर्म के अंदर गुरुओं ने गादियां बनाकर अपना एक कमर्शियल धंधा बना रखा। अब हम लोगों के ऊपर ऐसा पहले ही वो ज्ञान बता देते हैं, देखो जो अपने गुरु को छोड़ेगा वो सीधा नरक में चला जाएगा। प्राणनाथ जी ने आके प्रैक्टिकल करके दिखाया, बिल्कुल गलत बात है। जो सतगुरु, जो गुरु हमें भव से पार जन्म मरण से छुड़ा नहीं सकता, जो अर्जुन ने मांगा मेरे साथियों, क्यों 84 लाख में हम गुरु स्वाय इस योनि के स्वा हम गुरु नहीं धारण कर सकते, ना हमारे पास मनुष्य तन की विशेषता क्या है कि इसके पास जो सोचने की शक्ति, जो थिंकिंग पावर है, जो बुद्धि है, वो केवल इस मनुष्य तन के अंदर प्राप्त होती है। और उस बुद्धि के द्वारा ही हम भला बुरा ज्ञान सोचकर और फॉलो करके और पार ब्रह्म के उस लक्ष्य तक, जो हमारी जिंदगी का गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस वास्ते मनुष्य तन का होना जरूरी और उसके बाद सतगुरु का। क्यों आज ऐसा भारतवर्ष का प्राणी जकड़ा पड़ा है, भाई और सब कुछ ठीक है, हम अपने गुरु को नहीं छोड़ सकते। आओ देवचंद जी के जीवन सुनो, आपने याद किया होगा, बताया था सबसे पहले उन्होंने गुरु किसको धारण किया, उसको जो है संन्यास मत वालों को, और उसके बाद आके हरदास जी के पास वो मंत्र छोड़ा, दूसरा गुरु धारण किया। क्या वो परम धाम की श्यामा महारानी जो पूर्व में परमात्मा का आनंद स्वरूप है, वो नरकों में जाएंगे कि नरकों में पड़े हुएओं को सबको निकालने के लिए वो आए हैं? सोचने की बातें, विचार करने की बातें। और फिर अगर ऐसी बात है गुरु को छोड़ना नहीं चाहिए, तो भाई पहली कक्षा में जो गुरु होता है, हम दूसरी क्लास में, दूसरी कक्षा में जब जाते हैं तो फिर किसके पास पढ़ते हैं, दूसरी वाले के पास कि पहली वाले के पास? उस वक्त नरक में नहीं जाओगे? पहली क्लास से लेके एमए तक हम 50 जो हैं गुरु बदलते हैं, और उसके बाद तो बड़े खुश होते हैं, नाउ आई एम एमए। तो अब बुद्धि काम नहीं करती कि एमए का ज्ञान देने वाले ही टीचर के बिना तो कोई यहां पर ज्ञान नहीं दे सकेगा। आज दिन तक उस सच्चिदानंद स्वरूप की कोई पहचान दुनिया में करा सका? कारण क्या था कि इन जंजीरों में जकड़ी हुई जो है सारी जनता बस अब गुरुओं के ही चारों तरफ विक्रमा काट रही थी, और गुरु खुश होते थे, क्यों हमारे पास आ रहे हैं, हमारी सेवा हो रही है, हमारी गद्दी का बड़ा नाम है। गुरु अवश्य चाहिए, क्योंकि गुरु या सदगुरु का फर्क क्या है, यही गुरु जन कर्म कांडों में डालते हैं। अब चंद्रमा ग्रहण लगेगा, बेटा ऐसा कर लेना, अब तेरे पिताजी मर जाएंगे, और उसकी जो है वहां पर जो है हड्डियां गंगा में ले जाना, क्या हो जाएगा, गंगा में हड्डियां ले जाना। सोचिए, आज सोचने की बातें, जो जाने वाला था वो चला गया, शरीर भी हमने दाह संस्कार कर दिया, उसके बाद हड्डियां उठा करके ले गए, गंगा जी में चले गए, वहां पंडित जी और खड़े, इतने रुपए लगो, अब ये करना है, अब वो करना, और वो थैली। अरे भाई सोचो, आज हमारा शरीर 5 फुट 5.5 फुट 6 फुट का है, मरने के बाद तुम्हें 2 इंच जगह नहीं मिलने वाली मेरे भाई साथियों,
जिस जमीनों पर मकानों पर बड़ा अभिमान है, इतना बंगला होना चाहिए, 1000 फुट की कोठी होनी चाहिए, सोचो इन चक्रों में से कौन निकालेगा? केवल सतगुरु निकालेगा। जला देने के बाद इतना सा कपड़ा होता है जिसमें उठा करके हड्डियां हमारी धर जाती, 6 फुट की बजाय बन गए 4 इंच, वो भी नहीं रहते, उसके लिए भी जगह नहीं। गंगा जी चला जाना, पंडित जी ने 2 मंत्र पढ़ना और फेंक देना गंगा में, यही औकात है, यही है गुरुओं का देन कि गंगा में जाओ, क्या हो जाएगा, हड्डियां गंगा में डालो चाहे कहीं भी रख दो। साथियों, ये कर्मकांड गलत तरीके जो चल रहे हैं, प्राणनाथ जी ने तो आकर इनमें से निकाला है। वो सतगुरु बन के यहां आए हैं। आपने अभी श्लोक सुना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। वो ज्ञान जिस जिस ने लिया, फिर आगे आइए, देवचंद जी ने हरदास जी के बाद कहां तक पहुंचे? केवल गौलोक तक। उसके बाद पार ब्रह्म अक्षा तीत जब आए तो हरदास जी को भी छोड़ दिया। भाई एक क्लास के बाद जब ऊपर का ज्ञान कोई देने वाला आ जाए तो पहले गुरु के पास रगड़ पट्टी करने की जरूरत क्या है? वैसे आप लोग करो। प्राणनाथ जी आके किसी को मना नहीं करने आए, केवल इतना बताने आए हैं कि जिस तरह से छत्रसाल जी ने पहचान की, और बुंदेला राजपूत थे, छोटे मोटे भी नहीं, जो मर सकते हैं और कभी भी कर्मकांड को छोड़ नहीं सकते, अपने बुंदेला वंश को वो कभी नहीं छोड़ सकते। और पहचान करने के बाद क्या उन्होंने शरीर को प्राणनाथ माना? क्या कहा जब उनको चंदन पुष्प कर रहे हैं, श्री ठाकुरानी जी संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और जो देखे सो मिसल नहीं मातवर, जो तुम्हें पार ब्रह्मक्षा पीत ही नहीं पहचानता। ये छत्रसाल जी की चुपई है, वो परमधाम की आत्मा ही नहीं है। तुम ही अक्षरातीत हो, तुम ही हो धनी धाम, तुम ही मोहम्मद मेहंदी ईसा, तुम ही पूरो मनोरथ काम। ये छत्रसाल जी के मुखारविंद की चुपैया कहां से ली उन्होंने, जब पूर्ण सतगुरु पार ब्रह्मक्षा तीत मिल गए। तो साथियों, वो पार ब्रह्मक्षा तीत को ही हम सतगुरु महाराज कहते हैं। वो यहां आकर जिस तन में बैठकर हमको ज्ञान देते हैं, इन कर्मकांडों से छुड़ाते हैं, इन बंधनों से, खानदान परिवार लोकला से छुड़ाते हैं। तन तो होगा हमारे सामने, पर अंदर शक्ति किसकी होगी? प्राणनाथ जी की शक्ति के बिना क्या कोई इंसान इन बंधनों को आज दिन तक काट सका? तो सतगुरु क्या करते हैं, बंधनों से छुड़ाकर, कर्मकांड से छुड़ाकर, इन विपत्तियों से छुड़ाकर रास्ता परम धाम का दिखाते हैं। और गुरुजन, हम देख ही रहे सब धर्मों के अंदर कर्मकांडों के बिना, आज ग्रहण लगना है, आज वो लगना है, आज ये उपाय करना, आज ये उपाय। और उसके बाद स्वयं कहते हैं भगवान कि भाई हम किसी को भी कर्मकांड से निकलने नहीं देते, इसलिए कि यदि कर्मकांड से दुनिया निकल जाएगी तो ब्रह्मांड ही, हमारी सृष्टि ही उथल पुथल हो जाएगी। वो कर्मकांड लगाते हैं। अगर कोई आदमी सत्य की राह पे चलता है, राजा हरिश्चंद्र देखो, और बड़े बड़े कई प्रमाण, क्या पाप किया था? क्या पाप किया था? सपने में एक दान दिया था और उठे तो इंद्र भगवान आ गए, तो उसको भी पूरा करने के वास्ते साथियों अपना राज लड़के को दे दिया था, बाकी सब कुछ लड़की को दे दिया, हरिश्चंद्र जी के पास कुछ नहीं। उसके बाद इंद्र आ गए कि रात को तुमने मुझे राजपाट अपना दान किया है, वो दो मुझे। अब उसको पूरा करने के लिए आज है कोई आज इस रास्ते पर कि सत्य के पूरा करने के वास्ते बनारस काशी जी की चौराहे के ऊपर अपनी पत्नी को बेचा और खुद जाके के चंडाल के घर नौकरी करता है, और वहां भी इंद्र भगवान आ गए, ये है तुम्हारे भगवान। घबराना नहीं, सत को अवश्य वर्णन हम करते हैं, जिसको बुरा लगे वो क्षमा कर देना। पानी भर के उसकी टैंकी तैयार होती तो नीचे से सुराख करके तोड़ देते हैं। आखिर में उसको जो है शमशान घाट में नौकरी मिली, लड़का मर गया। विश्वामित्र सांप बन के काला, क्योंकि विश्वामित्र पहले स्वर्ग में पहुंच चुका था, और इंद्र भगवान को कहने लगे भगवान अगर ये आगे निकल गया तो फिर वैकुंठ चला जाएगा, तो सांप बन के उसको काट दिया। अब उसकी पत्नी बिचारी के पास कुछ था नहीं, नौकरी करती थी, बर्तन मलती थी, बच्चे को लेकर के गई शमशान घाट। हरिश्चंद्र को पता चला किसी ने बगैर मेरे पूछे जो है लकड़ी लगा के और दाह संस्कार कर रहा, आया देखा कि मेरी पत्नी और मेरा लड़का है कोई धर्म सत्य की राह पे चलने वाला। तब जो है उसने कहा उठा लो इसको,
नहीं जलाने दूंगा, मैं धर्म नहीं हार सकता। फिर भी मिला क्या मेरे साथियों, वैकुंठ। भगवान स्वयं आए, वैकुंठ लेके गए। और वैकुंठ का क्या भागवत ग्रंथ झूठा है जो व्यास जी ने लिखा है? पढ़ो उसको कि महाप्रलय में 14 लोक 5 तत्व 3 गुण का लय हो जाता है। तो फिर वैकुंठ में नहीं रहना। फिर करते क्या हैं? ये कर्म कांडों के अंदर बांधते हैं हमें। अगर यहां से कोई उठ के निकलता भी है तो जलंधर ऋषि को, उनके सत्य को गिराने के लिए देखो किस तरह से जो है अप्सरा को भेजा। उसके बाद वशिष्ठ जी कितने सालों तक जो है विश्वामित्र, 4 साल तक जो है 4,000 साल तक तपस्या करते रहे। और मेनका आ गई, उसने आकर के उनको सत्य को गिराया। तो साथियों ये ब्रह्मांड ऐसा है, हमें यहां से कोई भी कर्मकांडों से, बंधनों से, और फिर गुरुओं के ऊपर जो आदेश है वो उन भगवानों के ग्रंथों से होता है। और ये सारे जन अपने जो हैं कर्मकांड और स्वार्थ, और ये जितना भी कुटुंब कबीले के बंधन है, आज ये है आज वो है, शादी ये है मरण वो है। अरे भाई शादी अपने इष्ट सच्चिदानंद के स्वरूप को सामने रख के, उनकी वाणी को रख के बताया कि ब्रह्म विद्या जो है वो अखंड है, उसके द्वारा ही जन्म मरण का और सारा क्रम ब्रह्म आत्माएं आके करेंगी। और वो आप लोग अपनाइए सत्य के ज्ञान को लेके, और सच्चिदानंद के साथ जो अपना संबंध जोड़िए, और उसके साथ सतगुरु ही कौन सा रास्ता देंगे? प्रेम लक्षणा भक्ति का। प्रेम लक्षणा का मतलब जो आत्म के साथ उस पारब्रह्म अक्षातीत को अपना पति मानकर और उस तरीके के साथ यदि हम चलते हैं तो संसार में भले रहो। वही हरदनी जितेंद्र इंसान से, और अंत समय यदि वही पारब्रह्म का ध्यान आपके मगज में बुद्धि में होगा तो उठाइए गीता, अंत मतः सो गता। अंत समय में जिस स्वरूप का चित्तमन ध्यान आप करेंगे, किस तरीके से? दास भक्ति से नहीं कि प्रभु मैं बार बार जन्म लूं और जो है मैं दास बनूं, बिल्कुल नहीं। अब दास नहीं बनना, अब कर्म कांडों में नहीं फंसना, अब पार ब्रह्म की पत्नी प्रेम लक्षणा भक्ति, जो सतगुरु महाराज ये रास्ता दिखाए, प्रेम लक्षणा भक्ति बताए, गुरु शिष्य के बंधनों से हटाए, कर्म कांडों से हटा कर पार ब्रह्म के साथ नाता जोड़े, वो तो है सतगुरु। और जो हमें कर्म कांडों में डाले और यहीं की प्रथा सिखाए और ये दुनिया के ही बंधन और इन्हीं के अंदर रखे, वो है भाई गुरु। और वो गुरु ना खुद बाहर निकलते हैं। स्वामी जी ने कहा अगुओं को, दुनिया को आग एक है, अगुओं को आग दो है। एक बोझ ढोवे शिष्य का और दूसरा अपने गुनाह को, अपने अवगुण और जिनसे प्रणाम करवा रखा है सारी उम्र, उनका बोझ होता है। ये मत सोचो कि अब गुरु बन के बैठ गए, अरे प्रणाम कर रहा, हा शाबाश बेटा जीता रहो, जीता नहीं रहो, उसके सब कर्मों का बोझ जो आशीर्वाद देने वाले हो तुमको ढोना पड़ेगा और तुम्हें दुगने बोझ ढोने पड़ेंगे। सतगुरु की शरण पकड़ लो, वो एक मिनट में अपने सत्ता के ज्ञान से जो है तुम्हारे कर्म बंधनों को काटकर और प्रेम लक्षणा भक्ति का सतगुरु क्या करेगा? अपने साथ नहीं नाता जोड़ेगा, तुम्हारा संबंध आत्मा के साथ जो है पार ब्रह्म के साथ अपने तारतम ज्ञान की शक्ति से बांध देगा। जैसे एक लड़की और लड़के का लगन होता है तो पंडित केवल लगन पढ़ता है, लड़की उठ के पंडित के पीछे नहीं जाती, अपने पति के पास जाती है। इसी तरह से यहां क्या है कि गुरुजन मंत्र देते हैं तो हम परमात्मा को तो पीछे जाते नहीं, शिवजी का मंत्र मिला शिवजी के पास नहीं जाते, गुरु के पीछे जाते हैं। क्यों भाई? पंडित के पीछे जाने से क्या तुम्हें तुम्हारा परमात्मा मिलेगा? प्राणनाथ जी ने आके ये बताया कि नहीं, जो ज्ञान देता है, जो संबंध जोड़ता है वो सतगुरु होता है, लेकिन तुम्हारा संबंध आत्मा का उस पार ब्रह्मक्षा के तीत के साथ पतिव्रत नाते से प्रेम लक्षणा भक्ति से जोड़ देते हैं। बस पत्नी बनने के बाद केवल उनका ध्यान सुमरण ही काफी है जो तुम्हें भवसागर से पार कर देगा।